बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक, +9232242022062। सबसे पहले तो थैंक्स फॉर हैविंग फेथ ऑन एलआरई एंड मी एज़ वेल। चूँकि मैं फाइल्स के अंदर 2015 से प्रॉपर डील कर रहा हूँ और मेरी वीडियोस को लाइक भी किया जाता है और कमेंट्स भी किया जाता है, जस्ट इस बेसिस के ऊपर कि मेरा जो एनालिसिस होता है ना, वो जो मार्केट के जो ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना, उन बेसिस पे होता है। और मैं क्लाइंट को बड़ा जो है ना, वो लॉन्ग टर्म्स के साथ जो है ना, वो गाइड करता हूँ। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बिल्कुल मैं क्लाइंट को गाइड नहीं करता। सिर्फ इसी वजह से ही जो है ना, मेरी वीडियोस को लाइक किया जाता है और उनको शेयर भी किया जाता है और मुझे प्रॉपर तरीके से गाइड भी किया जाता है कि जमशेद साहब, अगर आप इसमें ये चीज़ ऐड कर लें तो हमारे लिए वो चीज़ ज़्यादा बेटर है। तो आज का जो मैंने, मेरी जितनी भी वीडियोस हैं 2015 से टिल नाउ, वो डीएचए से रिलेटेड हैं। डीएचए के तमाम फेजेस में, डीएचए मुल्तान, लाहौर, बहावलपुर, गुजरांवाला, कोयटा, पेशावर। बट राइट नाउ मेरी ये फर्स्ट वीडियो है जो कि एक प्राइवेट डेवलपर पे है, प्राइवेट सोसाइटी पे है। चूँकि मैं गाइड भी इसी वजह से कर रहा हूँ कि ये एलडीए से 100% अप्रूव्ड है, डेवलपर अच्छा है, तो मैं प्रॉपर एलडीए में, सॉरी, इस सोसाइटी में भी डील कर रहा हूँ और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ, जो भी मार्केट के एनालिसिस हैं उस बेसिस के ऊपर। डीएचए में भी मैं डील कर रहा हूँ, डीएचए गुजरांवाला, डीएचए फेज 13, डीएचए फेज 10 फाइल्स के अंदर स्पेशलिस्ट हूँ। डीएचए गुजरांवाला की प्लॉट्स के अंदर बाइंग सेलिंग भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो बेसिकली इत्तेहाद टाउन और यूनियन डेवलपर्स पे है, लिबर्टी लैंड्स पे है, जो कि लिबर्टी लैंड्स का डेवलपर यूनियन डेवलपर है, उसके ऊपर है। इसकी जो भी मार्केट में आजकल ट्रेडिंग चल रही है, ओल्ड बुकिंग, न्यू बुकिंग, और अभी थर्ड टाउन फेज़ 2 लॉन्च हो रहा है, उसके ऊपर जो भी मार्केट में कन्फ्यूजन्स हैं, जो क्लाइंट्स की कन्फ्यूजन है, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताता चलूँ कि इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 जो था, दैट वॉज़ ओन्ड बाय चौधरी मुनीर, इन्होंने लॉन्च किया था। और फिर उसके बाद इसको जो था यूनियन डेवलपर्स ने ओन किया था, यूनियन डेवलपर्स को जो थे वो ओन कर रहे थे मियां आमिर साहब। फिर उसके बाद इसको ओन करने के बाद उन्होंने थर्ड टाउन फेज़ 2 लॉन्च किया। उसमें भी आपको 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला प्लस कमर्शियल्स के प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है, जो कि आज भी मार्केट में माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ओन के ऊपर आपको अवेलेबिलिटी है तमाम साइज़ में, फेज़ 1 में भी और फेज़ 2 में भी। फिर इसके बाद इसने यूनियन डेवलपर्स ने अपना जो था वो यूनियन अपार्टमेंट्स को लॉन्च किया। अपार्टमेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा इनको जो था वो रिटर्न मिला, काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला और काफ़ी फास्ट ट्रैक पे इनकी डेवलपमेंट चल रही है। इस डेवलपर की सबसे एक अच्छी खसूसियत ये है कि इनका इंस्टॉलमेंट प्लान 2 to 3 ईयर्स का होता है। अभी तक रेजिडेंशियल में जो इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 फेज़ 2 जो था, और इसमें इन्होंने 2 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान था, बट आफ्टर 1 ईयर ही इन्होंने लोगों को पोजेशन दे दिया था, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी पॉजिटिविटी रही और काफ़ी ज़्यादा ओन अमाउंट रहा और स्टिल अभी भी है, फेज़ 1 में भी, फेज़ 2 में भी। उसके बाद इन्होंने अपना यूनियन लिविंग्स जो था वो टूवर्ड्स ठोकर न्याजबेग से, जब आप बहरिया टाउन की तरफ जाते हैं, वहाँ पर इन्होंने अपना लॉन्च किया। और फिर उसके बाद लिबर्टी लैंड, लिबर्टी लैंड इस टाइम पे इनका हॉट केक बना हुआ है माशाल्लाह से, जो है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग चल रही है लास्ट 3 मंथ्स के ऊपर। पहले इन्होंने प्री लॉन्चिंग की थी अपनी, और अब ये प्रॉपर अपनी लॉन्चिंग की तरफ जा रहे हैं लिबर्टी लैंड की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे 5 मरला रेजिडेंशियल है, प्लस 5.33 मरला कमर्शियल और 2.66 मरला कमर्शियल है। जो इनकी प्री लॉन्चिंग प्राइसेस थी, मैं अगर उस पर बात करूँ लिबर्टी लैंड की, तो 5 मरला इन्होंने ऑलमोस्ट को 32 लाख में लॉन्च किया था, जिसके ऊपर इस टाइम पे ओन अमाउंट जो है वो तकरीबन कोई, अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो 2 लाख रुपए ओन अमाउंट से स्टार्ट हुई थी। तकरीबन को 3 महीने, मोर देन 3 मंथ्स इसमें हो चुके हैं। फिर इसके बाद इसमें डिप आया, 1.5 लाख ओन पे चला गया, बट काफ़ी देर ये 300 to 400,000 ओन पे जो है ना वो ट्रेडिंग होती रही, और आज की डेट में भी जो आपको अवेलेबिलिटी है वो तकरीबन को 4 लाख ओन अमाउंट पे अवेलेबिलिटी हो जाती है। अब देखें, अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो 32 लाख रुपए की आपकी जो है कॉस्ट ऑफ लैंड है, प्लस इसमें 4 लाख रुपए ओन अमाउंट है, और अगर हम न्यू बुकिंग की बात करें तो न्यू बुकिंग इस टाइम पे ऑलमोस्ट कोई 38 लाख रुपए है, बट अभी ऑफ कंफर्म नहीं है, बट ऑलमोस्ट 38 लाख रुपए के हिसाब से जो है इसकी बुकिंग की जा रही है। और इसके ऊपर जो डाउन पेमेंट है, न्यू बुकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर डाउन पेमेंट है तकरीबन कोई 6,95,000 रुपए। इसके ऊपर ओन अमाउंट जो स्टार्टिंग हुई थी वो तकरीबन को 1 से 1.5 लाख रुपए पर स्टार्टिंग हुई थी, फिर आजकल की जो अवेलेबिलिटी है उसमें तकरीबन आप कह सकते हैं कि आपको 80 ± में जाना ओन अमाउंट पे अवेलेबिलिटी आपको हो जाती है। अब जो मार्केट का जो ट्रेंड है कि जी, अच्छा, मार्केट में जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे कन्फ्यूजन चल रही है, चूँकि इसी इन बिटवीन के अंदर इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 लॉन्च हो गया, चूँकि इत्तेहाद टाउन प्लस लिबर्टी लैंड दोनों अब सेम प्रोजेक्ट नहीं है, सेम डेवलपर नहीं है,
दोनों ही डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट में। जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वो इसी चीज़ की आ रही है जी, थार टाउन और लिबर्टी लैंड सेम प्रोजेक्ट्स हैं? सेम प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, दोनों ही डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। लिबर्टी लैंड ने जस्ट अभी चूंकि अपना प्रोजेक्ट थार टाउन ने जस्ट अभी अपना फेज टू लॉन्च किया है, बट मार्केट में अभी कोई भी कन्फर्मेशन उसकी नहीं है फाइल्स की, 5 मरला 3 मरला रेजिडेंशियल प्लस 4 मरला कमर्शियल की। जो भी डीलर मार्केट में दे रहा है वो अभी अपने लेटर हेड के ऊपर दे रहा है, बट कंपनी ने एज सच अभी कोई भी नंबर ऑफ फाइल्स कन्फर्मेशन नहीं दी है कब लॉन्चिंग कर रही है। सबसे बढ़कर ये है कि इनके पास अभी तक एनओसी भी नहीं है और इनकी लोकेशन भी कन्फर्म नहीं है इतिहाद टाउन फेज टू की। तो मैं इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन भी अपनी इस वीडियो में क्रिएट नहीं करूँगा, चूंकि अभी वो प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मैं ज़्यादा डिटेल भी, मैं एंड में एक छोटा सा कंक्लूजन ज़रूर करूँगा इतिहाद टाउन वर्सेज लिबर्टी लैंड पे, तो उसमें फिर आपको सारी कन्फ्यूजन जो है वो आपकी क्लियर भी हो जाएगी। तो सो कमिंग टू द पॉइंट, लिबर्टी लैंड में, तो लिबर्टी लैंड में अब जो क्लाइंट में अंदर जो कन्फ्यूजन है, जारी सी बात है, देखें DHA की जो अभी ट्रांजेक्शन है ना वो आपकी अभी ऑलमोस्ट इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं चल रही हैं, बट प्राइवेट सोसाइटीज़ में आपकी ट्रांजेक्शन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही हैं, क्योंकि बिलो द 1 मिलियन ट्रांजेक्शन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में इन हुई हुई है। हर बंदे का बजट जो है ना वो 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन तक का नहीं है, जिनका तो मिलियन बजट है 4 to 5 मिलियन का वो कमर्शियल्स में जा रहे हैं, अदरवाइज जिनका रेजिडेंशियल का बिलो द 1 मिलियन है वो लिबर्टी लैंड में ही जा रहे हैं। अच्छा, लिबर्टी लैंड में अब ओल्ड बुकिंग में जाया जाए या न्यू बुकिंग में जाया जाए, चूँकि जो ओल्ड बुकिंग है वो इस टाइम पर आपकी अराउंड कोई 1.3 से 1.4 मिलियन पर चली गई हुई है, 13 से 14 लाख रुपये पर चली गई हुई है, चूँकि इसमें एक इंस्टॉलमेंट जो है ना वो ड्यू हो चुकी हुई है। मैं अगर कैलकुलेशन आपको बता दूं, ऑलमोस्ट कोई 4,75,000 रुपये की आपकी डाउन पेमेंट है, प्लस 4 लाख रुपये ओन अमाउंट है, प्लस 3,40,000 रुपये की आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। नो डाउट मार्केट में भी ओपन फाइल्स की ट्रेडिंग हो रही है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन और है कि जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी हुई है उसका सरचार्ज कौन पे करेगा? तो देखिए, जब आप ओपन फाइल ट्रेड कर रहे हैं तो ओपन फाइल में आपका सरचार्ज जो है ना वो एड ऑन नहीं होगा। वो जब भी जो भी बंदा फाइल को फिल करके सबमिट करवाएगा उनके ऑफिस में, वो सरचार्ज वेव ऑफ हो जाएगा। सबसे पहले तो अपनी कन्फ्यूजन ये दूर कर लें कि जी सरचार्ज कौन पे करेगा, आइदर इट्स ए रेजिडेंशियल और कमर्शियल फाइल। अभी कोई भी उसकी डिमांड जो है ना वो नहीं की जा रही है सरचार्ज की, के रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल का। आप ओपन फाइल मार्केट में ट्रेड हो रही है, आप जस्ट डाउन पेमेंट पे करें और ओन अमाउंट पे करें और ओपन फाइल आपके हाथ में आ जाएगी। जब आप उसको फिल करके सबमिट करवाएंगे तो जस्ट एक रिटर्न एप्लीकेशन होगी सरचार्ज वेव ऑफ की, तो सरचार्ज आपका वेव ऑफ हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ लोगों ने सबमिट भी करवाई हुई है, विदाउट इंस्टॉलमेंट भी मार्केट में ट्रेड हो रही है, इंस्टॉलमेंट पेड के साथ भी मार्केट में ट्रेड हो रही है। आप सेम लाइक दैट के जैसे लाहौर स्मार्ट सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, मैं इसका जिक्र नहीं था करना चाह रहा, बट चूंकि एक एग्जांपल देनी थी, तो लाहौर स्मार्ट सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी स्टिल अभी तक जो है ना वो ओपन फाइल्स ट्रेड हो रही हैं, सरचार्ज उसमें कोई भी पे नहीं कर रहा, जो फिल कर रहा है वो एक एप्लीकेशन रिटर्न फॉर्म में पुटअप कर रहा है, तो उसका सरचार्ज जो है ना वो वेव ऑफ हो रहा है। तो सेम लाइक दैट लिबर्टी लैंड के अंदर भी सरचार्ज की कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है तो भी अच्छा है, चूंकि ये अपनी प्रॉपर लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, मीडिया कंपेन स्टार्ट करने जा रहे हैं, एनओसी की अवेलेबिलिटी है, चूंकि एक एनओसी नहीं चाहिए होता किसी भी सोसाइटी को लॉन्च करने के लिए, आपको जस्ट एनओसी एलडीए से नहीं चाहिए होता, आपको मल्टीपल एनओसी भी चाहिए होते हैं। लिबर्टी लैंड के पास मीडिया कंपेन का एनओसी भी आया हुआ है, जो कि रमज़ान में इनको, रमज़ान से पहले भी ऑलमोस्ट इनके पास अवेलेबिलिटी हो गई थी, बट चूंकि पॉलिटिकल सिचुएशन थी, रमज़ान भी था, मार्केट में कोई खास ट्रेडिंग नहीं होती है, टाइम टेबल काफ़ी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो इस वजह से लिबर्टी लैंड ने अपनी जो थी मीडिया कंपेन नहीं की थी, बट अब इंशाल्लाह 15 मई से वो अपनी प्रॉपर मीडिया कंपेन करने जा रहे हैं, न्यूज़पेपर एड्स में अपने जा रहे हैं, तो लोगों को इसमें प्रॉपर जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो मार्केट में काफ़ी अच्छी जो है ना वो ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। और अब अगर हम बात करें इसकी, देखें मेरा जो एनालिसिस होता है ना वो ट्रुथ होता है ना वो भी हमें साथ साथ अपडेट करना चाहिए मार्केट में। जस्ट हमें कमीशन बेस पे नहीं चलना चाहिए या अपने मार्जिन के साथ नहीं चलना चाहिए प्राइवेट सोसाइटीज़ में, तो चूंकि अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसमें ना बाइंग सेलिंग का डिफरेंस होता है ओन अमाउंट में, चूंकि आपके इंस्टॉलमेंट प्लान होता है तो इसमें जो है ना वो आपका डिफरेंस चल रहा होता है बाइंग सेलिंग का, और वही जो दरमियान में मिनिमल सा जो मार्जिन होता है वही डीलर का जो है इसमें कमीशन होता है, तो इसमें ज़्यादा जो है ना वो कुछ डीलर हजरात अपना कमीशन भी चार्ज कर लेते हैं, कुछ जो है ना वो अपना मार्जिन को भी इसमें जो है ना वो टेक ओवर कर लेते हैं कि चले जी कुछ मिनिमल सा मार्जिन रखे तो इसको जो है ना प्रोसीड किया जाए। अब अगर हम लोग बात करें इसमें आपकी इतिहाद टाउन की फेज़ टू की बात, मैं थोड़ी सी इसमें कर दूं कि इसमें साइजेस जो हैं क्या, प्राइसेस क्या हैं। जो अभी डीलर्स की रजिस्ट्रेशन पे जो उन्होंने साइजेस बताए थे वो 3 मरला रेजिडेंशियल, 5 मरला रेजिडेंशियल प्लस जो था वो कमर्शियल 4 मरला बताया था। प्राइसेस की बात करें 3 मरला 28,50,000 रुपये में, 5 मरला जो था वो तकरीबन कोई 39-39.5 लाख रुपये में, और 4 मरला कमर्शियल 1 करोड़ 20 लाख रुपये में अपडेट किया था। अब अगर लोकेशन की बात करें, देखिए कोई भी सोसाइटी जब आप लॉन्च करते हैं ना तो सबसे पहले उसकी लोकेशन मैटर करती है, लोकेशन प्लस उसका डेवलपर जो है,
इतिहाद टाउन जो है उसका जो फेज़ टू आ रहा है उसका अभी तक कोई भी डेवलपर अपफ्रंट नहीं हुआ कि उसका डेवलपर कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। और अगर उसकी लोकेशन बात करें इतिहाद टाउन फेज़ टू की, तो वो ऑलमोस्ट कोई आपको आ जाती है LDA जो सोसाइटी है उसके पास में। फिर उस पर रोड से जब आप आते हैं LDA सोसाइटी की, तो उसके नियरेस्ट में है, वो जो ड्रेन आती है नहरी पानी की उसके बिल्कुल पास में है। और अगर हम प्राइसेस का कंपैरिजन करें कि जो लिबर्टी इतिहाद टाउन फेज़ टू प्लस LDA में जो आ रही है, देखें जो इतिहाद टाउन फेज़ टू की जो पाँच मरला की प्राइस है वो तकरीबन 39-39.5 लाख रुपए है। और जो अगर हम LDA की बात करें तो LDA के अंदर पाँच मरला आपको मिनिमम 25 और मैक्सिमम जो है ना वो आपको 55 के बजट में अवेलेबिलिटी हो जाती है, चूँकि जो 55 वाले हैं वो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपको फाइल्स की बात करें तो फाइल्स भी आपको 25, 27, 28 के इन बिटवीन जो है LDA सिटी में अवेलेबल हो जाती हैं। मैं यहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट को डीग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हमें जो सराउंडिंग के जो सोसाइटीज़ हैं हमें उसका भी कंपैरिजन हमें करना होता है कि वहाँ पे क्या प्राइसेस चल रही हैं। अब अगर हम लोग बात करें लिबर्टी लैंड की, तो लिबर्टी लैंड की जो लोकेशन है वो जियाबागा इंटरचेंज से जब आप रिंग रोड से उतरते हैं, जियाबागा इंटरचेंज से जब आप नीचे उतरते हैं तो मैक्सिमम 2.75 किलोमीटर पे आपके बिल्कुल पार्क एवेन्यू के साथ है, ख्याबान मीन के अपोजिट साइड पे आती है। तो अगर उसकी सराउंडिंग में सोसाइटीज़ की बात करें तो आपकी लेक सिटी आ जाती है, मिड सिटी आ जाती है, पार्क एवेन्यू आ जाती है और ख्याबान अमीन आ जाती है। इनके अंदर अगर आप आज की डेट में प्राइसेस की बात करें, चूंकि ये सारी की सारी सोसाइटीज़ ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रही हैं जिनके जो कि डेवलप्ड हैं सोसाइटीज़, और वहाँ के अंदर अगर आप प्लॉट की प्राइसेस बात करें तो मिनिमम एक एवरेज में मैं प्राइस बात करूँ तो तकरीबन को 50 लाख रुपये के करीब है। तो उस हिसाब से अगर लिबर्टी लैंड की प्राइसेस की बात करें तो ओल्ड बुकिंग है वो 32 लाख रुपये की, न्यू बुकिंग 38 लाख रुपये की है, तो फिर भी वो वर्थ बाइंग है। चूँकि ये डेवलपर ने जब अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है तो सबसे मेन चीज़ है कि इस डेवलपर की मशीनरी अपनी है, इसको मार्केट से कोई और डेवलपर इसने साथ ऐड ऑन नहीं करना होता, तो इसलिए इसकी जो डेवलपमेंट होती है ना वो फास्ट ट्रैक पे चल रही होती है। जब फास्ट ट्रैक पे डेवलपमेंट होती है तो विद इन ईयर ये पोजीशन का अपना अनाउंसमेंट कर देते हैं, तो इस वजह से मार्केट में जो है ना वो इनकी नई ऑप्शंस भी आती रहती हैं, साइजेस भी आते रहते हैं, तो मार्केट में एक अच्छी खासी ट्रेडिंग भी चलती रहती है। अगर आप इसका तमाम इसके प्रोजेक्ट्स देखे जाएँ, इतिहाद टाउन फेज़ वन, इतिहाद टाउन फेज़ टू, यूनियन अपार्टमेंट्स, यूनियन लिविंग्स प्लस लिबर्टी लैंड, पिछले 4-5 साल से जो भी इनके ट्रेंड चल रहे हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम नई ऑप्शंस भी आती जा रही हैं। इनके जितने भी आप फेजेस देख लें ना, ये बहुत बड़े फेजेस नहीं हैं, छोटे छोटे फेजेस हैं, 2200 कनाल 2500 कनाल के ऊपर हैं, और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा जो टर्न ओवर है ना ये मार्केट में दे रहे हैं। अब अगर मैं अपनी इस पूरी वीडियो का एक छोटा सा कंक्लूजन करूँ कि इतिहाद टाउन फेज़ टू वर्सेस जो लिबर्टी लैंड है, कि उसमें सबसे पहले अगर हम लोग चले जाएं कि जी डेवलपर के ऊपर, तो यूनियन लिविंग्स एक बजाते खुद एक बहुत अच्छा डेवलपर है, जैसा कि मैंने अपनी सारी ऑडियो में बताया, अभी पहले भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये डेवलपर है खुद बहुत अच्छा है और काफ़ी कह सकते हैं कि आप इसको फास्ट ट्रैक पे इसकी डेवलपमेंट है, काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है, काफ़ी अच्छी अमेनिटीज़ हैं और बैकअप इसका काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह से। और अगर हम बात करें इसकी अप्रूवल की, तो लिबर्टी लैंड के पास तो माशाल्लाह से अभी तक जो अप्रूवल आई है इनके पास 2300 केनाल्स की अप्रूवल है, बाकी अप्रूवल इनकी पाइपलाइन में है, चूँकि इनको डायरेक्ट एक्सेस है जियाबागा इंटरचेंज से जब आप टूवर्ड्स जाते हैं काना की तरफ, तो उस रोड के ऊपर काफ़ी माशाल्लाह से वो ऑलमोस्ट अभी अगर मेरी जो प्रिडिक्शन है कि ऑलमोस्ट इस टाइम पे 80 फिट का रोड है, और उसके साथ एक्सटेंशन भी पॉसिबिलिटी है चूँकि दोनों साइडों पर रोड के जो है ना वो लैंड की अवेलेबिलिटी है। डेवलपर अच्छा है, अगर ये करना भी चाहे तो फ्यूचर में ये खुद 2.75 किलोमीटर इज़ नॉट अ बिग एरिया के, अगर ये खुद भी डेवलपमेंट करना चाहें तो ये कर सकते हैं, उस पर आपको जो है ना वो डबल रोड भी 150 फुट रोड की भी एक्सटेंशन ये कर सकते हैं। प्राइसेस की बात करें और देखें लिबर्टी लैंड की प्राइसेस 3.8 मिलियन पे है, जबकि जो है वो 3.9 मिलियन पे उसको लॉन्च किया जा रहा है, और इसकी इतिहाद टाउन फेज़ टू को। और इसके बाद अगर हम लोकेशन की बात करें तो देखें लोकेशन तो दोनों की मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि उसकी LDA के साथ है इतिहाद टाउन फेज़ टू की, जबकि लिबर्टी लैंड को जियाबागा इंटरचेंज से जाना वो लोकेशन मिल रही है, और NOC की अप्रूवल इसके पास अभी है लिबर्टी लैंड के पास, जबकि इतिहाद टाउन के पास अभी NOC की भी कन्फर्मेशन नहीं है, एग्जैक्ट लोकेशन की भी कन्फर्मेशन नहीं है, प्राइसेस की भी अभी तक एग्जैक्ट कन्फर्मेशन नहीं है, अभी तो जस्ट डीलर्स की इसमें रजिस्ट्रेशन हुई है और कन्फर्म फाइल्स की भी अभी तक अवेलेबिलिटी नहीं है। जस्ट डी मार्केट के डीलर क्या कर रहे हैं कि इतिहाद टाउन फेज़ टू की जो भी रिक्वायरी आती है मार्केट में, जी हमें 3 मरला चाहिए, 5 मरला चाहिए या कमर्शियल चाहिए, वो अपने लेटर हेड के ऊपर आपको कन्फर्मेशन दे रहे हैं, बट कोई गारंटी नहीं है कि कल को आपको मिलती है कि नहीं मिलती है। बट लिबर्टी लैंड प्रॉपर अपनी लॉन्चिंग की तरफ जा रहा है, चूँकि अपना पुराना भी उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, पुरानी बुकिंग इन्होंने की थी, तो अभी उसकी कन्फर्म फाइल्स की लाहौर रियल एस्टेट के पास अवेलेबिलिटी है।
मैं आज की डेट में अगर आपको एंड में फिर प्राइसेस का अगर आपको बता दूं, तो इस टाइम पे जो न्यू बुकिंग है आपको तकरीबन कोई 80,000 रुपये ऑन पे मिल जाएगी, और जो ओल्ड बुकिंग है वो आपको 4 लाख रुपये ऑन पे मिल जाएगी। और अगर कमर्शियल की बात करें 5.33 मरला कमर्शियल, तो वो आपको इस टाइम पे तकरीबन को 22 से 23 लाख रुपए ऑन पे मिल जाएगा। और जो 2.66 मरला कमर्शियल है वो इस टाइम पे आपको 5.5 से 6 लाख रुपए ऑन पे अवेलेबिलिटी हो जाएगी। इसके अलावा व्यूअर्स, मेरी इस वीडियो को लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन मेरी इस वीडियो को, मेरा हमारा चैनल लाहौर रियल एस्टेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। लिबर्टी लैंड से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, बाइंग करनी हो, सेलिंग करनी हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +9232424222062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। फ़ीमान अल्लाह।